फाइनली हम आपने देखा ही है कि रात को जो ब्यावला चल रहा था वो पूरा हो गया था। लगभग 3:30-4 बजे करीब मैं सो गया था। अब वापस हम रेडी होकर अब हमें एक और काम मिल गया है, ये गैस की टंकियां जो दो है, कंदोई ने बोला है 2 टंकियां भरवा कर लेकर आनी है। तो यहाँ पर गाड़ी रेडी है, तो हम सभी जाएंगे टंकी भरवाने। तो चलते हैं, प्रदीप जी ने टंकी रख दी है रिफिल करवाने के लिए। यहाँ पर गणेश जी भी चलेंगे, राधे श्याम जी भी है, योगेश जी तो है, और यहाँ पर सहल सिंह जी भी है। सहल सिंह जी के पहचान वाले ही हैं, उनसे हम टंकी भरवाएंगे। यहाँ पर गाड़ी रवाना हो चुकी है और एक चीज़ थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, वो ये हुई थी कि यहाँ पर थोड़ा सा कि मेंबर ज़्यादा थे तो थोड़ी पानी की दिक्कत हो गई थी। तो अभी बहुत समय बाद में अब ये ठंडा पानी भर के लेकर आए, पानी से चिल्ड एकदम चिल्डम चिल्ड। और यहाँ पर देखिए आप, शानदार मौसम। और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है इंडियन की गैस एंटरप्राइजेस। यहाँ पर क्या ट्रेजेडी हो गई है, यहाँ पर प्रदीप जी भी गेट ऊपर करके खड़े हैं। यहाँ पर टंकियों के लिए शायद यहाँ पर अवेलेबल होगी या नहीं, ये देख रहे हैं। अवेलेबल हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रेजेडी क्या हो गई है कि यहाँ क्या है कि यहाँ से पर्ची कटवानी पड़ेगी और वो जो हमें जाने पड़े नक्की लेक के मार्केट के अंदर, उसके बिना यहाँ पर टंकी मिलेगी नहीं हमें, गैस की टंकी। अब देख रहे हैं टंकियाँ तो बहुत सारी हमारे सामने पड़ी है, लेकिन जो रूल है वो रूल है। अब देखते हैं आगे और कहाँ जाना पड़े, यहाँ से मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फाइनली भैया ने हमारा सेटलमेंट करवा दिया है, एक गाड़ी से हमें सिलेंडर मिल जाएगा। और यहाँ पर सभी सेना तैयार है, अब जाते हैं सीधा आगे। गाड़ी निकली थी यहाँ से, इसी रोड से निकली थी, आगे वो कोई होटल है उसके बाहर खड़ी है, हमें जाना है जल्दी से और टंकी ले लेते हैं यार, मिल जाए तो बढ़िया है। सो लेट्स गो। ये ना स्वस्ति गुटिया भाई जी, जहाँ पे गैस की टंकी लेनी है वहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे योगेश जी जा रहे हैं और वो सहल सिंह जी जा रहे हैं। प्रदीप जी मैं तो क्या जाने पर तो नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ कि अब प्रदीप जी ने बोला भी था कि बिना डायरी के, बिना ऑलरेडी भरे हुए हैं, बिना डायरी के टंकी नहीं मिलेगी। गाड़ी गाड़ी सीधी पहुंचा दे, वो डायरी दे दे। अरे नहीं नहीं सही रही यहाँ पे। अरे कौन आया था, मत खाओ यार, तो अभी ये फाइनल हुआ है कि हम जाएंगे वापस मंदिर, मंदिर से लेंगे भाई साहब डायरी सहल सिंह जी, फिर डायरी से यहाँ पर आकर हमें एंट्री करवानी पड़ेगी, उसके बाद में हमें टंकी मिलेगी। डोल 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 डोल। तो मतलब बहुत घुमावदार हो गया है। और वहाँ पर जो है भरत जी वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली वापस हम पहुँच चुके हैं मंदिर की ओर, अब देखते हैं यहाँ से लेकर कटवाएंगे वहाँ से, फिर हम यहाँ से रवाना होंगे। फाइनली अब देखिए कि बड़े अंतराल के बाद में कड़क धूप के अंदर हम निकले हैं अब घूमने के लिए। अब जाएंगे हम माउंट आबू की यात्रा करने। उल्टी हो जाए मत, लारे मत बैठाओ, ये देखो वॉमिट हो गया तो लारे मत बैठा ही दो। अब यहाँ पर केला जी ऐसे करो, इधर आ जाओ आगे, ला आओ आओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो केला जी आगे बैठेंगे, पहले मैं आगे बैठ गया था लेकिन थोड़ा सा ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। सो फाइनली हम बैठ चुके हैं यहाँ पर, पीछे गणेश जी भी बैठे हैं, योगेश जी बैठे हैं, यहाँ पे हितेश जी है, यहाँ पे राधा कृष्ण जी है, क्या नाम, राधे 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 श्याम जी, राधे श्याम जी, राधे राधे श्याम जी है। मेरे को थोड़ा नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, वो देखो कल राम निवास जी में भी हुआ था। बादलों की ऊंचाइयों में हम जा रहे हैं गुरु शिखर, जोधपुर के बहुत बड़े सेठ हैं, आप भी सेठ हो ना, बोल रहे हैं ना सर, इनका बड़ा बड़ा काम है इनका। अभी हम जा रहे हैं गुरु शिखर जी, तो यहाँ पर अभी हमको गणेश जी बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से पूरी राइड है, तो
हाँ सही भैया को राइड है गणेश जी की तरफ से, तो यहाँ पर ये गणेश जी की तरफ से 1000 रुपये जमा किए प्राप्त हुए, नगद प्राप्त हुए नगद, और बाद में हम फैसला हम बाद में करेंगे। मंदिर में तो अभी हम पहुंच चुके हैं गुरु शिखर जी, और सच में रास्ता बहुत शानदार था, वापस जाते वक्त आपको दिखाएंगे। अभी गुरु शिखर जी दिखाते हैं, तो वो आप देख रहे हो वो है गुरु शिखर जी, ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ये गुरु शिखर जी है, और यहाँ पर हमने पार्किंग लगा दी है गाड़ी, यहाँ पर पार्किंग लग चुकी है गाड़ी। यहाँ पर गणेश जी, आपके पास है शिलाजीत? ठीक है मैं वापस आके देखूँगा, है ना, ये यहाँ पर शिलाजीत देते हैं, देखेंगे वापस आके। यहाँ पर हम ये गुरु शिखर जी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और यहाँ पर ये इतनी सारी दुकानें, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं क्या राधा कृष्ण जी गंस देख रहे हैं, हमारे पास तो है वैसे इतनी सारी, और यहाँ पर हमें विवेक जी भी मिल गए हैं, ये रहे, ये गुरु शिखर जी जाके आ गए ना आप, तो आ गए आ गए, हाँ ठीक है, अच्छा है। लेकिन हम अब जा रहे हैं, आप तो फर्स्ट टाइम आए होंगे? हाँ फर्स्ट है, हाँ ठीक है चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे नीचे की ओर। शॉर्ट लगी गई, फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुरु शिखर जी मंदिर के द्वार पर, दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है, और यहाँ पर गणेश जी पीछे आपको खड़े नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर योगेश जी किसी काम में व्यस्त है मोबाइल लेकर, और यहाँ पर ये यहाँ बैठे हैं। चलो अंदर चलते हैं अब और दिखाते हैं आपको मंदिर परिसर। तो यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता, मंदिर मार्ग, वो आपने भगवान का मंदिर दिखाई है दत्तात्रेय भगवान जी, वो यहाँ से दिख रहे हैं, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और ये यहाँ का रास्ता दिख रहा है, ये ऐसे रास्ता है, यहाँ पर तपस्या गुरु दत्तात्रेय का अखंड दूना ये यहाँ पर है, तो दिखाते हैं। तो फाइनली हम वापस बाहर निकल रहे हैं मंदिर से, बहुत ही शानदार लगा, बहुत अच्छा लगा। अब आगे देखते हैं, दूसरी ओर जाएंगे, एक और जगह है नक्की लेक भी है, 4-5 जगह है वहाँ घूमने की है, और यहाँ पर ये मंदिर के दर्शन हो चुके हैं हमारे। सो यहाँ से मंदिर का नज़ारा है गुरु शिखर जी, यहाँ पर एक बड़ा गुरु शिखर जी के ऊपर एक और मंदिर ये नज़र आता है, तो यहाँ पर ये देखिए गणेश जी, और ये पीछे रह गए थे थोड़े, आ चुके हैं वापस ट्रैक पर। यहाँ पर एक बड़ा सा घंटा भी नज़र आ रहा है, ये इन्होंने बजाया है।
हितेश जी ऊपर है। गुरु दत्तात्रेय भगवान के चरण और पादुका। फाइनली हम रुके थे, ये जो मसाज करने वाला है ना, ये देख, ये मसाज करने वाला, तो ये हम देख रहे थे, ये उसे ठीक हो जाता है। ये पीठ का, पाव का नस वस ब्लॉक होता है उसके लिए रहता है, ये ना ये नस वस ब्लॉक होता है उसके लिए, ये सिर पर दर्द होता है, ये मसाज कीजिए, पाँच मिनट में सिर उठ जाएगा, ठीक है। ये पीठ का नस वस ब्लॉक होता है इसलिए मसाज कीजिए, पूरा पीठ का, पाँच ही मिनट में पता चल जाता है, ठीक है। ये चीज डॉक्टर लोग भी ले जाते हैं, ठीक है सर। एक नोवल्टी आइटम में घूमना तो याद करें, बोले माउंट आबू से कोई चीज गया, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग पैटर्न मिलता है, 100 वाला A150 का लगेगा, इसमें इससे छोटा वाला चाहिए 100 का, और इससे बड़ा वाला चाहिए था 250 का, 250 वाला, और ये हैंड का, ठीक है, ब्लड सर्कुलर से हाथ का सर्कुलर, ये टोटल, ये ऑल मसाज के लिए। अच्छा जी, ठीक है। लकड़ी का आइटम वगैरह मिलेगा, और भी बहुत सारे लकड़ी के आइटम्स मिलते हैं, बहुत अच्छा है जी सर। हम देखते हैं, हम भी लेने की कोशिश कर रहे हैं जी सर। कौन सा, ये कितने, 150 दे दीजिए बस, 150, 150। फाइनली हमने ले लिया है, थैंक यू भैया जी सर, 150। ओके, थैंक यू। ये महादेव नोवल्टी स्टोर से है, यहीं पे गुरु शिखर जी में इनकी शॉप है। आए हो तो वीडियो अच्छा लगाओ, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सपोर्ट करें भाई का। हाँ, थैंक यू। अपना चैनल है, काम भी तो वो अगर गैस करनी होता तो फिर चल जाते हैं। और यहाँ पर कैला जी नाराज होते हुए, हम जैसे ही आए थे हमें बहुत ज़्यादा समय लग गया और कैला जी यहीं रुके थे, इसलिए ये पसीने से तरम तर हो चुके हैं, वो भी गुरु शिखर जी में। देखिए आप किस तरीके से हैरान हो रहे हैं, यहाँ पर गणेश जी उनका हाथ पकड़े हुए हैं, अब देखिए उनकी मुस्कुराहट दिल को छू लेने वाली है। फाइनली हम वापस गाड़ी के पास में आ चुके हैं, अब यहाँ से रवाना होंगे, एक और न्यू स्पॉट है वहाँ पर जाएंगे। अब कौन सी जगह पर जाने वाले, हम कौन सी जगह जाएंगे, अर्बुदा माता जी के वहाँ जाने वाले हैं। यहाँ पर सभी के फोन आ रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ी बार्गेनिंग चल रही है, यहाँ पर पानी पता से खाने के लिए आए थे, यहाँ पर हर चीज़ महंगी है। वैसे पूछा कि 20 के 6 पानी पता से तो योगेश जी बोले 8 तो दो। यहाँ पर क्या है, सबको भूख लग रही थी और हमें मंदिर जाना था, लेकिन वहाँ पर खाना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हम माता जी के मंदिर आए हैं, जो अर्बुदा देवी माता जी मंदिर है, पंवारों की कुल देवी, पंवार परमार, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है, यहाँ से चढ़ाई है शायद, जाएंगे तब मालूम चलेगा। यहाँ से भाई साहब ने ये प्याज काट कर डाल दिए हैं इस आलू के अंदर, और इसमें मैगी बनता है, और यहाँ से मैगी बनती है, लेकिन ये बना नहीं रहे, अभी बना नहीं रहा, कोई आएगा तब बनाऊंगा। ओके, और चाय ऐसी बनाऊंगा, चाय ऐसी बनाएंगे कि डोली चाय वाले को भी भूल जाएंगे ये। अब यहाँ से जल्दी से जल्दी चाय पीकर हमें मंदिर के दर्शन करना है, और ये अभी यहाँ पे चाय पी रहे हैं। देखिए अब हम जा रहे हैं अर्बुदा माता जी का मंदिर, जो कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये मंदिर है ऊपर, लगभग 300 सीढ़ियाँ बताते हैं, लेकिन देखते हैं कितनी सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पर फिर से मिल चुके हैं विवेक जी, जहाँ जहाँ से आ रहे हैं वहाँ वहाँ हम पीछे पीछे आ रहे हैं ये जहाँ से जाकर आ रहे हैं हम वहाँ जा रहे हैं वापस, तो इनकी यात्रा पहले चल रही है हमसे। अरे तो हमें तो ज्यादा टाइम लगा, आप लोगों को कम लगेगा। अच्छा ऐसा, वो रुकते आए होंगे ना, मम्मी भी ऊपर प्रसाद वगैरह मिलता है ना ऊपर ही। हाँ ठीक है, तो अब जाते हैं हम भी आगे की ओर, ऊपर प्रसाद मिल जाएगा। और ये माता जी का जो मंदिर है, ये शक्ति पीठ है, और ये हाँ यहाँ पर बोलते हैं कि माता जी के जब हाँ होठ जो है वो यहाँ गिरे थे।
अब देखिए यहाँ से ये सीढ़ियाँ शुरू हो चुकी है, ये ऐसा एंट्रेंस। और यहाँ पर छोड़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन टेक्निक क्या है समझ नहीं आ रही है, ये जाननी है। तो फाइनली करीबन 250 से 300 सीढ़ियाँ हैं चढ़ाई के बाद में। ये यहाँ पर पीछे आपको नज़र आ रहा होगा माता जी का मंदिर है, और यहाँ पर है धूणा जहाँ पर सूखे नारियल मतलब गोटे वगैरह होते हैं वो डालते हैं, और यहाँ पर ये नारियल छोलने की कोशिश कर रहे हैं इस मशीन से, लेकिन ये समझ में नहीं आया इसका क्या सिस्टम है। तो देखते हैं मंदिर में अगर रिकॉर्डिंग करने देंगे तो करेंगे, महादेव की इच्छा माता जी की इच्छा। हम तो अभी हम फाइनल जो माता जी की मंदिर की सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ रहे हैं, अब आगे पता नहीं मोबाइल यूज़ करने देंगे या नहीं। ये मंदिर है यहाँ का और यहाँ की पीछे का सीन। फाइनली हमने दर्शन कर लिए थे क्योंकि मोबाइल वहीं पर जमा करा दिए, और आपने बाहर के सीन तो देखे ही हैं जो माता जी के मंदिर के थे, लेकिन हमने दर्शन करके कैसे दर्शन हुए, बहुत शानदार अच्छे दर्शन हुए, एकदम सुकून मिल रहा था सच में। और ये शक्तिपीठ भी है, शक्तिपीठ है ना, तो है तो पावरफुल जगह है, पावरफुल जगह है, शक्तिपीठ है तो पावरफुल है ही है, होनी है। अब रही बात है कि हम सीधा निकलते हैं नीचे की ओर जहाँ पर गाड़ी खड़ी है, क्योंकि कैलाश जी वगैरह भी वेट कर रहे होंगे, और हमें जाना है वापस नीलकंठ महादेव मंदिर जहाँ पर प्रोग्राम था, आपको पता ही है जैसा आपने पूरा प्रोग्राम देखा है, वापस जाना है। तो अभी सुनने में आया दाल बाटी चूरमा जो प्रसादी है वो है, तो चलते हैं। तो फाइनली हमने पार कर लिया है किला और माता जी के दर्शन करके आ गए, बहुत अच्छा लगा। मिल चुके हैं, आप गाड़ी लेकर रवाना होंगे, हम बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, एक घंटा हो गया हमको है, वो पड़ी है गाड़ी, भगवान से बात करना, हंसी भी साथ नहीं दे रही अब तो, भगवान से बात करना। बात हुई क्या आपकी? भगवान नाराज है, मैं पक्की कहूँ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वापस नीलकंठ महादेव मंदिर, और यहां पर आप पीछे देख रहे हैं कि ये प्रसादी चल रही है। गुलाल भी आ गया है, और गुलाल और ये शुरू हो चुकी है होली।
आना पड़ेगा अब। ये देखिए यहाँ पर होली खेल ली है। क्या क्या से क्या हो गए देखते देखते। और यहाँ पर देखिए ओ बनावा ओ सब यहाँ पर देखिए होली से रंग बिरंगे होते हुए। और यहाँ ओ माय गॉड अरे यू कहीं करो अरे यू कहीं करो यहाँ पर सबके हाल खराब होते हुए गुलाल से रंग दिया गया है। और यहाँ पर देखिए अब ये फाइनल बचे थे उनका भी मुहूर्त कर दिया गया है। और यहाँ पर कैलाश जी भी रंगा रंग हो गए। ये देखिए यहाँ पर सभी ऊपर से देख रहे हैं, नीचे आने के लिए कोई भी इच्छुक नहीं है क्योंकि उनको पता है होली खेला दी जाएगी। देखिए एकदम पीला पीला कर दिया है सबको पीला ही पीला एकदम। यहाँ पे प्रदीप जी भी पीला ही पीला यहाँ पर पीला ही पीला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए चादर की ओट लेकर बैठे हैं चादर की ओट में यहाँ पर चादर की ओट में और यहाँ पर खजाना लूटते हुए सभी अब जिसके किस्मत में होगा खजाना उनको मिल जाएगा। इधर आ जा जिसकी किस्मत में होगा खजाना उनको मिल जाएगा, तो बाकी रहेंगे वो बाकी रह जाएंगे। और ये जीत चुके हैं खजाना। यहाँ पर देखिए किस तरह का मॉल बन चुका है, यहाँ पे भीड़ ही भीड़ है, गुरुजी कहीं नजर नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर खजाना लूटा जा रहा है भक्तों द्वारा। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर धक्का मुक्की का खजाना लूट रहा है।
यहाँ पर धक्का मुक्की का नजारा देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े सती जी लुटा रहे हैं, हाँ बाला सती जी लुटा रहे हैं, सही बात है, लुट रहे हैं सब जो ये बाले सती जी के है। सही बात है सर, फाइनली यहाँ पर आप जाने की तैयारी हो रही है, इतना सारा प्रोग्राम आपने देख लिया है और यहाँ पर देख लिए प्रदीप जी ने पूरा सामान रखवा दिया है, कैलाश जी भी यहाँ से सहायता कर रहे थे। नहीं 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 कर रहे थे, अच्छा आता ही कर रहे थे खाली। ओ फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, कैसा लगा आपको ब्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो कैसा लगा सबको, कैसा लगा? बहुत आनंद ही आनंद, मैं कुछ कहना चाहूंगा। आपको कैसा लगा? मैं कुछ कहना चाहूंगा, अपा फिर मिलेंगे, अपा फिर मिलेंगे, ठीक है। और इन्होंने भी बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम रहा, खुशी हुई हमें। तो फाइनली अब गुरु जी का आशीर्वाद लेके निकलते हैं और आगे देखते हैं, अभी मैं अहमदाबाद निकलूंगा और गुरुजी वापस जोधपुर की ओर निकलेंगे। तो कैसा लगा वीडियो और ये सब कुछ प्रोग्राम? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। ओम श्री राम, ओम श्री राम।